गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड वन में अभी आप लोग का रिवीजन चल रहा है, व्याकरण से है। पार्ट दो तीन और पार्ट चार का रिवीजन हो गया है। आज आप लोग का पार्ट वन का रिवीजन होगा। चैप्टर वन में है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसको एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग खूब अच्छे से समझ जाइएगा। व्याकरण चैप्टर तो आप लोग के लिए नया है, इसलिए आप लोग को रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए आइए बता दूँ, भाषा लिपि और व्याकरण पार्ट एक में है। भाषा लिपि और व्याकरण, इसको मैं अलग से तीनों टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आइए भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा के माध्यम से हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे के मन की बातों को हम समझते हैं। इसको एक बार और समझिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के मन की भाव और विचारों को समझते हैं। इसे बहुत शॉर्ट में ऐसे आप लोग को लिखना है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पीडीएफ में ऐसे ही करके डाल दूंगी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्टैंडर्ड टू में जब आप लोग जाएंगे ना तो इसे थोड़ा विस्तार से तब पढ़ना पड़ेगा। अभी शॉर्ट में ही आप लोग को समझना जरूरी है क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप लोग के समझ में नहीं आएगी। अब है इसके भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो भाषा तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ से बना हुआ है, भाषा लिखा हुआ है ना, तो भाषा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। इसे थोड़ा आप अच्छे से समझ जाइए। लिखित भाषा क्या है? ये जो है लिखित भाषा हुआ। लिखित भाषा हम लोग किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग लिख कर दूसरे के पास पहुंचाते हैं ना, लेटर लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं। अब तो लेटर का जमाना रहा नहीं, ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भी आप लोग करते हैं तो लिखते हैं ना। तो लिख के जो अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लिखित भाषा की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब आइए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? ओरल। मौखिक का मतलब शॉर्ट में एक शब्द में समझिए, ओरल मतलब कि मुंह से बोलना। मौखिक भाषा में होगा जिस माध्यम को हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने विचारों को वह मौखिक भाषा कहलाता है। यानी लिखित में हम लोग लिख के देते हैं और मौखिक भाषा में बोलकर हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। घर में ही मम्मी पापा को बोलते हैं आप लोग, तो जब हम लोग बोल के बताते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? वो भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। और एक है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब कि इशारों से होता है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो कैसे अपने मन की बातों को प्रकट करते हैं? संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे भी जॉब भी हैं जिसमें सांकेतिक भाषा का यूज होता है। जैसे चौराहे पे आप लोग ट्रैफिक पुलिस को देखते होंगे, वो जब ये गाड़ी को जब क्रॉस कराना रहता हो तो सीटी बजा के इशारा करता है। वो क्या है? वो भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आएगा। तो ये हो गया आप लोग का क्लियर। भाषा भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा तीन प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा हो गया। इसको समझना बहुत जरूरी है। भाई लिपि, लिपि क्या है? तो भाषा को लिखने के लिए हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। फिर से सुनिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। अब आइए व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण के द्वारा हम लोग को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण जो है वो हम लोग को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण में हम लोग तीन तरह से चीज सीख सकते हैं। जैसे वर्ण है, वर्ण में क, ख, ग, घ, स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों आएंगे। तो इसको जब हम लोग सही से उच्चारण करते करना सीखते हैं किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। इसमें कुछ ह्रस्व दीर्घ की जो होती है वो हम लोग व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। र, र, ये सब जो है वर्ण वो भी व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। शब्द क्या है? शब्द भी हम लोग शब्द का सही ढंग से लिखना व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं।
जैसे कमल है तो उसको लमक भी तो लिख सकते हैं ना, तो नहीं, इसको हम लोग व्याकरण के द्वारा शब्द को सही ढंग से लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं। एक शब्द ही है तो उसको हम लोग व्याकरण के द्वारा ही सही ढंग से पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। वाक्य भी है, वाक्य भी हम लोग व्याकरण के द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना और पढ़ना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे व्याकरण में है कि मुझे घर जाना है, ये सही सेंटेंस हुआ। अब आप कोई बच्चा बोलेगा मैंने घर जाना है, मैं घर जाना है, ये सब तो गलत हुआ। तो हम लोग को ये मुझे घर जाना है किसके द्वारा सीखने को मिलती है, व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। ये हो गया तीनों टॉपिक, क्वेश्चन आंसर तो आप लोग बना चुके हैं, इसको समझ लीजिएगा और एक एक लाइन में सारे का आंसर लिखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोग का व्याकरण में पूरे अच्छे से रिवीजन हो गया, चैप्टर बाय चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो होगी आप लोग को। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।